पांडा पुत्र अर्जुन जब युद्ध के क्षेत्र में अपने अस्त्र शस्त्रों को फेंक देते हैं और युद्ध करने से मना कर देते हैं, तब श्री कृष्ण भगवान अपने मित्र की बात खराब ना हो जाए उसके लिए उनको दिव्य विराट स्वरूप का दर्शन प्रदान करके भागवत गीता के 18 अध्याय के श्लोकों का प्रवचन देती है। 18 श्लोकों का क्या महत्व है, 18 का ही क्यों देते हैं उसकी जानकारी सुनो। भगवान के 18 श्लोक हैं, 18 जो अध्याय हैं वो 18 ही क्यों हैं, तो भगवान ने अपना विराट स्वरूप प्रकट किया। विराट स्वरूप में पहले तो 5 सर प्रकट किए पंच देवता के, फिर 10 भुजाएं, 5 सर होंगे तो 10 भुजाएं, 15 हो गए, एक पेट 16, 2 पेट 17, 18। इस प्रकार भगवान ने 18 अध्याय अर्जुन को सुनाए और 18 अध्याय में जो दूसरा अध्याय है और तीसरा अध्याय उनमें बताया कि अर्जुन शास्त्र और शस्त्र कब कब जरूरी है, जब बात जननी जन्म भूमि पर आ जाए तो युद्ध करने से अर्जुन तू डर मत, जिन्हें तू मारने की सोच रहा है कह रहा है कि मेरे गुरु हैं द्रोणाचार्य हैं, चाचा ताऊ के भैया हैं, और उनसे युद्ध नहीं कर रहा है कि मैं अपने भाइयों को मार के क्या जमीन जात का सुख लूं। तो श्री कृष्ण भगवान कहते हैं अर्जुन अधर्म की बात आए, धर्म की मर्यादा को ताड़ ताड़ अगर कोई कर रहा है, चाहे तुम्हारे घर परिवार का है, तुम्हारी बहन बेटियों, तुम्हारी जननी जन्म भूमि पर कब्जा कर रहा है, तो भले ही तुम्हारा सामने गुरु है अगर वो द्रोहियों का संग दे रहा है तो युद्ध करना चाहिए तुम्हें, युद्ध करना चाहिए, क्योंकि अगर तू युद्ध को नहीं करेगा तो भी तू पाप को भागी होगा और युद्ध करता है तो दोनों ही स्थिति में तेरा भला होगा। पहली स्थिति यह है अगर युद्ध करते करते अगर तू मारा जाता है तो अभी तू मुझे ही प्राप्त होगा, वीर गति को प्राप्त होगा, और अगर तू जीत जाता है अर्जुन तो राज्य के समस्त ऐश्वर्य को, इन नदियों को, इन्हें धरा पे समस्त मणियों के खानों को तू भोगेगा, एवं यह धरती भी प्रसन्न होती है क्योंकि यह धर्म पर चलने वाले लोग इन नदियों में स्नान करते हैं, ऐश्वर्य को भोगते हैं, तो प्रकृति भी प्रसन्न होती है क्योंकि ये धर्म पर चलने वाले लोग हैं, वृक्षों से मीठे फल खाते हैं, वृक्ष प्रसन्न होते हैं क्योंकि वो वृक्षों में पानी देते हैं जब फल खाते हैं। अधर्मी लोग होते हैं, फल खा लेते हैं और वृक्ष को काट काट के अपने घरों में फर्नीचर सजा सजा के रख लेते हैं, जिसका दुख अन्य लोगों को भोगना पड़ता है। जिस प्रकार इस कलयुग में घरों में फर्नीचर बढ़ते जा रहे हैं, आदमी को फल चाहिए, आम चाहिए, अंगूर चाहिए, सेब चाहिए, पेड़ कोई लगाना नहीं चाहता, गुस्सा तो इतनी आती है कि 2-4 मुक्के में झड़ दो, ऐसे कलयुग के लोग हैं, 100-100 रुपया, 200-200 रुपया फलवा पे ले जाए, फल दे दे, पेड़ इनको बाप लगाया पे, लेकिन फल नहीं, फल पेड़ नहीं लगाएंगे, बस फल चाहिए, एसी की हवा में सोना है, वृक्ष लगाना नहीं है, फल चाहिए। अरे इनको तो प्लास्टिक के फल मिलेंगे कलयुग में, पैसे कोरोना में रखे रह गए ना, कोरोना काल में ऐसे रखे रह जाएंगे, क्योंकि वृक्ष साक्षात भगवान स्वरूप है, तुम्हें फल दे रहा है, भैया फल ले लो, जीवन रक्षक ऑक्सीजन ले लो, पर काटो मत, काटोते ही इंसान का जीवन खतरे में पड़ जाएगा। क्यों पड़ जाएगा, ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी, गर्मी बहुत भयंकर हो जाएगी। तो यही बता रहे हैं कृष्ण भगवान अर्जुन को, अर्जुन ये अधर्मी लोग हैं, वृक्षों को काट रहे हैं, उल्टे सूधे काम कर रहे हैं, धर्म पे नहीं चल रहे हैं, प्रकृति को काट काट के अब आवश्यकता से अधिक इकट्ठा कर रहे हैं वृक्षों को, ये निश्चय ही बहुत बड़ा पाप हो रहा है, इसलिए तो युद्ध कर, युद्ध करने से ये धरती मुक्त हो जाएगी और धर्मात्मा को राज्य होगा। तीसरे अध्याय में भगवान बताते हैं हे अर्जुन तू अपने ज्ञान को जगा,
ज्ञान को जगाने के लिए मन की वासना दूर करनी पड़ती है, काम वासना को मानना पड़ता है। काम वासना को जब कंट्रोल करते हैं अपन ज्ञान इंद्रियों से, उसके बाद में ज्ञान चक्षु खुलते हैं, यानी एक नेत्र होते हैं, ये एक नेत्र होते हैं हृदय के अंदर। तो हृदय के अंदर वाले नेत्रों को खोलने के लिए वासना को मार के उपासना में लगाना पड़ेगा। जब आपकी उपासना जागृत हो जाएगी तो बाहर के ये नेत्र हैं जो आज किसी भी मान लो नारी को देखकर चंचल हो जाते हैं या किसी भी गंदे दृश्यों को देखकर चंचल हो जाते हैं, वो फिर नहीं होंगे। तो आप समस्त माता बहनों में बालक बच्चों में नारायण का बात समझेंगे, ज्ञान चक्षु जागृत हो जाएंगे, संतों के जैसा हृदय हो जाएगा, मन ही मन आप सबको नारायण मानेंगे। चाहे कैसा भी हो, कैसा भी सुंदर स्त्री या पुरुष हो, आप उससे प्रभावित नहीं होंगे। इसलिए नर और नारियों, ये भगवान का जो संवाद है कि वासना को कंट्रोल करो, उपासना को जगाओ, क्योंकि इसके बाद में जो दरवाजा होता है इनको कंट्रोल करके ज्ञान का दरवाजा होता है, वो जागृत हो जाता है, जिससे आप माया से बचे रहती हो। जो जरूरी चीज है वो करो, व्यर्थ के ऊटपटांग कामों में मत लगो। ग्रस्त मनुष्य के लिए काम वासना उसके धर्म पत्नी के साथ में ही संतान उत्पन्न करने के लिए होना चाहिए, जिससे कि उसके वंश उत्पत्ति हो सके। वंश उत्पत्ति के लिए ही अपने पितरों को संतुष्ट करने के लिए जरूरी है, वहाँ के दूसरों के घर परिवार को बिगाड़ने के लिए नहीं है। अर्जुन, अधर्मी लोग दूसरों के घर परिवार में ताकते झाँकते हैं, जिससे वो मृत्यु और अपयश को प्राप्त होते हैं। यानी अगर उनकी बदनामी होती है, वो भी एक तरह से मृत्यु ही है, लेकिन इस तरह के लोग बड़े बेशरम होते हैं। बेशरम लोगों को अपनी इज्जत की कोई परवाह नहीं होती, दूसरों की भी इज्जत खराब कर देती है। जो भी स्त्री पुरुष हैं, चंचलता बस या मूर्खता बस एक दूसरों के बाहरी शरीर के चक्कर में पड़ जाती हैं, भैया दूर रहें। साक्षात भागवत गीता में तृतीय अध्याय में लिखा हुआ है, भगवान का भजन करें, मर्यादा में रहें। मर्यादा यानी जिनको मरने के बाद भी याद करने किया जाता है, वो है मर्यादा वाले। तो जय श्री कृष्ण। वीडियो को अधिक से शेयर करें, इन बातों को समझें, बहुत ही संक्षेप में बताया है। जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव। कमेंट में जरूर लिखें और आगे सब्सक्राइब करें चैनल को, और भी जानकारी और अध्याय के बारे में बताएंगे फुल डिटेल में।